हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्वाति। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी सुबह जो है वो कैसे अच्छी हो, क्योंकि सुबह सुबह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हम अगर उठते ही वो चीज़ें करने लगते हैं तो हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि वो 5 चीज़ें जो आप सुबह उठकर बिल्कुल भी नहीं करें। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो कि आई होप 80% लोग करते हैं, एंड मैं भी पहले बहुत ज़्यादा करती थी, वो है कि जब आपका अलार्म बजता है तो आपको लगता है 10 मिनट और सो लेते हैं, 15 मिनट और सो लेते हैं। और उससे क्या होता है कि आप बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा सो जाते हो, एंड कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा सो भी नहीं पाते हो और आप उठे भी नहीं रहते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका पूरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सो लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आलस लगता है, बहुत ही मनहूस सा पूरा दिन लगता है आपको। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका अलार्म बज जाता है एंड आप उठ जाते हो तो आप बेड पर ही 10 मिनट 15 मिनट लेटे रहो, एंड उसके बाद आप उठकर तैयार हो जाओ। उससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करोगे एंड आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा एंड आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो आप इस आदत को अवॉइड करो एंड इस आदत को हो सके तो ख़त्म कर दो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप ट्राई करके देखो। तो दूसरी चीज़ है जो कि आपको उठते ही अपना मेल या फिर आपका जो सोशल मीडिया है उसको कभी चेक नहीं करना चाहिए। आजकल के टाइम में आई थिंक 99% लोग यही करते हैं, उठते हैं फ़ोन, सोते हैं फ़ोन। बट जब आप उठते हो तो आपको अपना फ़ोन बिल्कुल भी चेक नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत सारी निगेटिविटी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप उठते ही सुन लेते हो, आप पढ़ लेते हो, देख लेते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मीन्स कि आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है और आप बार बार रिपीट करते हो, आप सोचते रहते हो ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई थिंक ये चीज़ तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये करते हैं, 99% लोग करते हैं, बट थैंक गॉड मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उतने ही फ़ोन जो है चेक करने से माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है एंड पूरा दिन ख़राब हो जाता है। आप उठें एंड आप एक्सरसाइज वगैरह करें, कुछ अच्छी चीज़ें करें जिसको करके आपको खुशी मिलती हो मॉर्निंग में, वो चीज़ें आप करें। बट आप ना उठते ही, मतलब कि उठते ही फ़ोन तो बिल्कुल भी चेक ना करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा आपका पूरा दिन ख़राब कर देता है, पूरा नेगेटिविटी भर देता है आपके मन में। तो प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहें, उठते ही फ़ोन बिल्कुल भी चेक मत करें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो आप उसके लिए रिमाइंडर लगा दें, लेकिन उठते ही आप तुरंत जो है सोशल मीडिया तो खासकर बिल्कुल चेक मत करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया अच्छा तो है बट उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका मेंटल हेल्थ पर बहुत इफ़ेक्ट जाता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और इस चीज़ को बिल्कुल भी करें मत। सो तीसरी चीज़ उन लोगों के लिए है जो कि मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, मीन्स कि सोशल मीडिया पर उनका सारा काम होता है। तो आप अपना लिस्ट जो बनाते हो कि आपको दिन भर में क्या करना है, तो आप उठते ही उसको चेक मत करो। हाँ, वो ज़रूरी होता है लेकिन आपकी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो। उससे क्या होता है कि आप उठते ही अपना लिस्ट जो है वो चेक करने लगते हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो और आपको टेंशन होने लगती है, ओ माय गॉड ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ। आपकी लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि इस चीज़ से मैंने बीच में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और इससे मेरा मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी ख़राब हो गया था। मैं दिन भर यही सब सोचती रहती थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप उठते ही अपना वो लिस्ट चेक मत करो। लिस्ट बनाना अच्छी बात है बट आप उसको थोड़ी देर बाद एक दो घंटे बाद उसको चेक करो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है अगर अच्छा रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, मेरी तरह आप वीडियोस शूट कर पाओगे या फिर आप वीडियोस बनाना स्टार्ट कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि सुबह सुबह आप बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों से स्टार्टिंग करें अपना, इसमें आप स्ट्रेस में आ सकते हो। तो सुबह उठते ही आप अपना जो लिस्ट है उसको चेकआउट ना करें, बल्कि आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें, एक दो घंटे बाद आप चेक करें एंड आप वीडियोज़ बनाएं और आपको जो करना है वो आप करें। तो चौथी चीज़ें हैं जो कि आजकल की जनरेशन, मेरी जनरेशन और बहुत सारे लोग हैं जो कि
कंटिन्यूसली करते चले जा रहे हैं एंड मॉर्निंग में तो खासकर ज़रूर करते हैं, तो वो है अनहेल्दी ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अनहेल्दी ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा खाते हैं, वो भी मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा दिन आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप उसके आदी हो जाओगे, आपको हैबिट हो जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि कितना अनहेल्दी होता है एंड कितना ज़्यादा ख़राब करता है, आपकी पूरी बॉडी को ख़राब कर देता है, आपका पोस्चर पूरा ख़राब कर देता है एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कर देता है। तो आप मॉर्निंग में उठते ही अनहेल्दी चीज़ बिल्कुल भी ना खाएं, आप जो है हेल्दी चीज़ें खाएं, लाइक स्प्राउट्स खाएं, आप ओट्स खा लें, जूस पी लें, ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्दी होती हैं और वो आपके हेल्थ को भी ख़राब नहीं करेंगी एंड मॉर्निंग से लेकर रात तक आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहेगा एंड आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, उससे आपका मॉर्निंग ही नहीं पूरा दिन ही नहीं, आपकी धीरे धीरे लाइफ भी ख़राब हो सकती है, आपको बहुत सारे हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो आपका ब्रेकफास्ट जो है वो हमेशा से हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी चीज़ों से स्टार्टिंग बिल्कुल भी मत। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट टिप्स है जो कि बहुत सारे लोग जो है वो गलती कर जाते हैं, वो है कि मॉर्निंग में ही बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लेना। आप जब भी उठते हो तो आपको कोई डिसीजन अगर लेना है तो आप थोड़ा टाइम दें उसको एंड उसके बाद लें। उसके बाद ऐसा ना हो कि आपने अचानक से उठते ही वो डिसीजन ले लिया एंड किसी को बता दिया वो डिसीजन और शाम को आपको इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ओ माय गॉड मैंने ये क्या कर दिया उठते ही, क्योंकि उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। 15-20 मिनट आधा घंटा है उसको लगता है थोड़ा सा रिलैक्स होने में, थोड़ा बहुत आप नींद में भी रहते हो तो उतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं रहते हो, पूरा एक्टिव नहीं रहते हो, 100% एक्टिव नहीं रहते हो। तो आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं होता कि आप जैसे ही उठते हो आपको फ़ोन आता है हाँ 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 ये कर देना है, तो आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको इसका भुगतान बहुत ज़्यादा करना पड़ा है एंड एक बार मुझे भी करना पड़ा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो खासकर मॉर्निंग में आप थोड़ा टाइम दें एंड उसके बाद उसको आप सोचें, अगर वो आपके लिए अच्छा है देन आप उसको कर लें, नहीं अच्छा है तो आप उसको मना कर दें। तो ये सारी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं, स्किप कर देते हैं, उनके दिमाग में नहीं आती है, तो हो सकता है मेरा वीडियो देखकर उनको कुछ हेल्प मिल जाए। तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और इस टाइप के कुछ और भी वीडियोस अगर आप चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी उसको बनाने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।